घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। दुनिया पीतल की हो या सोने की, उसको बरतने के लिए जरूरी है दुनियादारी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। हंसी मजाक ठट्टा यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी जंग की कहानी है जिसने हजारों बच्चों के हाथ में हथियार थमाए। 14-15 साल के बच्चे चाइल्ड सोल्जर बनकर अपनी बेपनाह क्रूरता दिखा पाए। ये बच्चे हत्या, बलात्कार, लूटपाट करते, कई बार तो 10-10 बरस के बच्चों से ये सब करवाया जाता। ऐसे ही एक चाइल्ड सोल्जर पर अब स्विट्जरलैंड में एक ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ है। उस पर निर्दोष नागरिकों की हत्या, बलात्कार और एक स्कूल टीचर को मारकर उसके दिल के टुकड़े खाने का इल्जाम है। पूरा मामला विस्तार से समझते हैं, लेकिन उसके लिए इतिहास में दाखिल होना होगा। बात 1817 की है। उन दिनों अमेरिका में एक ग्रुप था, ACS, इसका फुल फॉर्म अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी। इस संगठन का काम था अमेरिकी गुलामों को खरीद कर आजाद करना। इन आजाद किए गए गुलामों को जहाज के रास्ते एक नई जगह भेज दिया जाता था। कहाँ थी ये जगह? ये जगह थी पश्चिम अफ्रीका की एक जमीन पर, जिसे ACS ने वहां के स्थानीय कबीलों से खरीदा था। ACS क्या परोपकार कर रहा था? क्या उसका मकसद गुलामी प्रथा को खत्म करना था? नहीं, उसका मकसद था गुलामों से एक अलग तरह का फायदा कमाना, उन्हें इस शर्त पर आजादी देना कि वो उनकी खरीदी गई नई जगह पर जाकर बस जाएंगे। ACS इस नई जगह को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया। स्लेवरी सिस्टम खत्म करने की मांग कर रहे लोगों ने ACS का विरोध किया, उसकी जेब भी खाली हो गई, और इस तरह से 1840 के बाद यह संगठन आया गया हो गया। ACS गया, लेकिन उसकी खरीदी जमीन और उसके द्वारा छोड़े गए गुलाम, उनका क्या हुआ? एक नया देश बन गया, इसका नाम था लाइबेरिया। जुलाई 1847 में इसने अपनी आजादी का ऐलान किया। अब यहां पर लोकतंत्र हो गया, डेमोक्रेसी। कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 1980 पर आ जाते हैं। इस वक्त यहां के राष्ट्रपति थे विलियम टॉलबर्ट। उनकी सरकार का सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया। सैमुअल डो के नेतृत्व में यह तख्ता पलट हुआ। टॉलबर्ट को मार दिया गया। देश में तानाशाही आ गई। लाइबेरिया में अलग अलग कबीले हैं, उन कबीलों के बीच तनाव रहता था। तानाशाह सैमुअल डो ने सोचा कि इस तनाव को अपनी ताकत बनाया जाए। उसने कुछ कबीलों को निशाना बनाया, कुछ को प्रश्रय दिया, और इसके नतीजे में विद्रोही गुट खड़े हो गए। ऐसा ही एक विद्रोही गुट था NPFL, पूरा नाम नेशनल पेट्रियाटिक फ्रंट ऑफ लाइबेरिया। इसका लीडर था चार्ल्स टेलर। ये कभी सैमुअल डो का यानी कि तानाशाह का करीबी रहा था, लेकिन अब विरोधी गुट का सरगना था। दिसंबर 1989 में टेलर के नेतृत्व वाले NPFL ने सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का ऐलान किया, और इसको कहा गया लाइबेरिया का पहला सिविल वॉर। खूब हिंसा चली 1.5 साल। 1990 आते आते ज्यादातर हिस्सों पर देश के इस विद्रोही गुट का और दूसरे गुटों का कब्जा हो गया। फिर एक रोज सैमुअल डो का भी कत्ल हो गया। तो जिसको हटाने के लिए, जिससे लड़ने के लिए विद्रोही एकजुट हुए थे, वो तो अब नहीं था, ना व्यक्ति ना सरकार। तो क्या हिंसा खत्म हो गई? नहीं, अब विद्रोही गुटों के जो धड़े थे वो आपस में लड़ने लगे सत्ता पाने के लिए। 7 साल तक ये हिंसा चली। इस दौरान लाइबेरिया के 1 लाख लोग मारे गए। 10 लाख से ज्यादा लोगों को घर बार छोड़कर देश के बाहर जाना पड़ा। 1997 में बहुत बीच बचाव के बाद एक शांति समझौता हुआ, पीस डील, और इसके बाद NPFL और उसके नेता चार्ल्स टेलर, उन्हें सत्ता मिल गई। चार्ल्स टेलर देश के राष्ट्रपति बन गए। नई सरकार के आने से लाइबेरिया के हालात नहीं सुधरे। 2 बरस के अंदर फिर से सिविल वॉर शुरू हो गया। एक बार फिर इंटरनेशनल प्रेशर, और 4 साल बाद यानी कि 2003 में जंग खत्म हुई। 2005 में यहां पहले निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव हुए, और इसमें जीतकर राष्ट्रपति बनी एलन जॉनसन सर्लीफ। यह तो एक सिविल वॉर की ब्रीफ हिस्ट्री हो गई, लेकिन यह सिविल वॉर हम आज क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि इस सिविल वॉर की आप परतें हटाएंगे तो युद्ध का घिनौना चेहरा नजर आएगा। हमने आपको बताया था कि इस जंग में कई विरोधी गुट शामिल थे। एक चार्ल्स टेलर का गुट था सबसे बड़ा। इसके बाद दूसरे नंबर पर था यूलिमो, ULIMO, यूनाइटेड लिबरेशन मूवमेंट ऑफ लाइबेरिया फॉर डेमोक्रेसी, और एक गुट था AFL यानी कि आर्म फोर्सेज ऑफ लाइबेरिया, मतलब मुल्क का नाम सबने जोड़ा है। और ये तीनों प्राइमरी ग्रुप थे।
लेकिन जैसे जैसे सिविल वॉर आगे बढ़ा तो इनमें बंटवारा होने लगा। कई कबीले के लोगों ने अपने गुट बना लिए, मतलब पहले अलग अलग पॉलिटिकल फ्रंट थे जिनकी सशस्त्र वाहनियाँ थी, अब हर कबीले का एक गुट हो गया और इनकी आपस में लड़ाई भी होने लगी। ये कभी गांव जलाते, कभी नरसंहार करते, वहाँ की महिलाओं और बच्चियों का रेप करते, और इनकी क्रूरताओं का सबसे बड़ा शिकार कौन होते? बच्चे। दरअसल रेबल फोर्सेस को लगातार लड़ने के लिए और अपना प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नए लड़ाकों की ज़रूरत पड़ती। संख्या बल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए नौजवानों के बाद इन्होंने बच्चों को पकड़कर उन्हें हथियार थमाना शुरू कर दिया, चाइल्ड सोल्जर्स। क्या होता था इन चाइल्ड सोल्जर्स के साथ, इसके जवाब में हम आपको दो सैंपल कहानियां सुनाते हैं। पहली, एक 15 साल का लड़का था, 1990 के साल में उसका इलाका सिविल वॉर की चपेट में आया। उसके पिता परिवार के लिए सुरक्षित जगह खोजने घर से निकले, लेकिन लौटे नहीं। लड़के को माँ की परवाह थी, वो पास के शहर में रहती थी। वो माँ के पास जाने के लिए निकला, रास्ते में एक चेक पॉइंट आया। यहाँ पर INPFL नाम के विद्रोही गुट का कब्जा था। इस गुट के लोगों ने बच्चे को पकड़ लिया। उनके पास कुछ और कैदी थे, इसमें से एक कैदी विरोधी गुट का सैनिक था। अब INPFL के लोगों ने इस 15 साल के बच्चे से, जो अपनी माँ की तलाश में शहर जा रहा था, उसको दो ऑप्शन दिए, या तो तुम इस सैनिक की, जिसे हमने बंदी बना रखा है, हत्या करो, या फिर हम तुम्हें गोली मार देंगे। अपनी जान बचाने के लिए लड़के ने पहला विकल्प चुना और इसके बाद उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली। वो युद्ध का सिपाही हो गया, नाबालिग सिपाही। दूसरी कहानी सुन लीजिए, एक 14 साल के बच्चे की कहानी है जिसका कोड नेम था BH। अपनी चाची के साथ रहता था। सिविल वॉर के चलते BH के गांव में भुखमरी की स्थिति हो गई। वो खाने की तलाश में घर से निकला और एक रेबल ग्रुप के हाथों पड़ गया। उन्होंने BH के हाथ पांव बांधे, कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, कड़ी धूप में तपाया, और फिर उसे दो विकल्प दिए गए, या तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाओ, या फिर हथियार उठाकर गुट में शामिल हो जाओ। ये सैंपल कहानियां हैं, पूरा दिन बीत जाएगा, ये कहानियां खत्म नहीं होंगी। 9-10 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के हजारों बच्चों का यही हश्र हुआ लाइबेरिया में। अनाथ बच्चे बस जिंदा रहने की चाहत में हत्यारे बन गए। आप सोच सकते हैं, 12 साल का बच्चा चाकू से किसी की गर्दन काट दे, या किसी लड़की के साथ ग्रुप रेप करने के बाद उसके सर में चाकू घोंप दे। ऐसी सैकड़ों दास्तानें हैं, ऐसी कहानियां, जब इन बच्चों ने बताया कि एक पॉइंट के बाद उनको खून बहाने में मजा आने लगा, वो टॉर्चर करने में सुख पाने लगे। कई केस तो ऐसे हैं जब गैंग ज्वाइन करने के बाद इन बच्चों ने अपनी पुरानी खुन्नस निकाली। कभी किसी टीचर ने पीटा था तो उसको जाकर काट डाला, दोस्त के सामने उसकी माँ का रेप कर दिया। आप कहेंगे, इन सब का जिक्र आज क्यों? इसलिए कि 3 दिसंबर को स्विट्जरलैंड से एक मुकदमे की खबर आई। वहां 45 साल के एक आदमी एलियो खसाया पर केस शुरू हुआ। इस केस की कहानी में लाइबेरियन सिविल वॉर जुड़ा है। एलियो 14 साल का था जब इस सिविल वॉर में शामिल हुआ। वो यूलिमो का मेंबर था, यानी कि एक विद्रोही गुट का। बतौर चाइल्ड सोल्जर शुरुआत करने वाले एलियो ने बालिग होने के बाद भी लड़ाई नहीं छोड़ी। यूलिमो में बड़ा कमांडर बना और उसने क्रूरता की हदें पार की। क्या है उस पर लगे बड़े इल्जाम? अपने हथियारबंद ग्रुप में बच्चों की भर्ती करना, निर्दोष लोगों की हत्या, नरसंहार, बच्चों और महिलाओं से बलात्कार, एक विस्थापित औरत को जबरन पत्नी बनाना, उसके साथ बार बार रेप करना। एलियो पर एक और आरोप है जो सबसे ज्यादा भीषण है। आरोप कि उसने एक स्कूल टीचर की हत्या की, फिर शरीर चीर कर उसका दिल निकाला और फिर उसके टुकड़े करके खा गया। आप शायद सोचें, अपराध लाइबेरिया में हुआ, मैं स्विट्जरलैंड की अदालत का जिक्र क्यों कर रहा हूं? हुआ यह कि सिविल वॉर खत्म होने के बाद विद्रोही गुटों से जुड़े कई कमांडर विदेश भाग गए। डर था अपने देश में रहे तो शायद पकड़े जाए। एलियो भी 1997 में लाइबेरिया से भागकर स्विट्जरलैंड पहुंचा और यहीं पर बस गया पहचान बदलकर। बाद के वर्षों में लाइबेरियन सिविल वॉर के दौरान हुए युद्ध अपराधों पर जागरूकता फैली। दोषियों को खोजकर उन्हें उनके किए की सजा दिलवाने की कोशिशें शुरू हुई। भुक्तभोगियों और चश्मदीदों के बयान दर्ज करके ऐसे दोषियों की लिस्ट बनाई गई। इस लिस्ट में एलियो का भी नाम था। कई विदेशी संगठन भी एलियो जैसे युद्ध अपराधियों की तलाश में जुटे थे। इनमें से एक एनजीओ था सिविटास मैक्सिमा। यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित एक एनजीओ के रूप में काम करता है। सिविटास मैक्सिमा को अपनी छानबीन के दौरान पता चला कि एक वॉर क्रिमिनल स्विट्जरलैंड में लेक जिनेवा के पास रह रहा है। उन्होंने इसकी जानकारी स्विस अटॉर्नी जनरल को दी। फिर एलियो के खिलाफ केस दर्ज हुआ और उसकी शिकायत के आधार पर नवंबर 2014 में एलियो को गिरफ्तार किया गया। आमतौर पर ऐसे मामलों में आरोपी को उसके देश के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि वो खुद ही एलियो पर केस चलाएगा। इसकी वजह है 2011 में बना एक नया स्विस कानून। इसके तहत स्विट्जरलैंड ने प्रावधान किया कि कोई वॉर क्रिमिनल अगर हमारी जमीन पर पकड़ा जाता है तो हम यहीं पर उस पर मुकदमा चलाएंगे, फिर चाहे वो वॉर क्राइम किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो। एलियो के केस में पहली दफा
इस नए कानून का इस्तेमाल हो रहा है स्विट्जरलैंड में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी वॉर क्राइम को मिलिट्री कोर्ट में नहीं बल्कि क्रिमिनल कोर्ट में चलाया जा रहा है। आपने पूरी बात सुन ली। एलियो यहाँ पर आरोपी है, अदालत में उसे सजा मिलेगी या फैसला आएगा। एलियो ने कहा क्या है अपनी सफाई में? बोला कि आरोप झूठे हैं। लोफा नाम के जिस प्रांत में युद्ध अपराध हुए मैं वहां मौजूद ही नहीं था। उसने कहा कि गुट के बाकी लड़ाकों द्वारा किए गए क्राइम्स का ठीकरा उसके सर फोड़ा जा रहा है। एलियो का दावा है कि वो निर्दोष है और इस केस के रास्ते अपना खोया सम्मान हासिल करने की उम्मीद करता है। लाइबेरियन सिविल वॉर में हजारों लोगों पर वॉर क्राइम का आरोप है, उनका क्या हुआ? एलियो तो पकड़ लिया गया स्विट्जरलैंड में, क्या लाइबेरिया ने बाकी हजारों लोगों को सजा दी? जवाब है नहीं। 1989 से 2003 तक चली हिंसा में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मरे, 10 लाख से ज्यादा बेघर हुए, सैकड़ों हजारों महिलाओं के साथ रेप, इंसानों को पकाकर खाने जैसी दरिंदगी। लेकिन इसके दोषियों को लाइबेरिया में अब तक सजा नहीं मिली, एक भी मुकदमा नहीं चला। और इसकी बड़ी वजह जानते हैं क्या है? अपराध में शामिल कई वॉर लॉर्ड आज भी ताकतवर ओहदों पे हैं, मामले खुलने नहीं देते। कोई गवाह सामने आने की कोशिश करता है तो धमकाकर चुप करा देते हैं। अब तक सिर्फ एक अपराधी को ऐसे मामलों में सजा मिली, वो भी लाइबेरिया से बाहर। इस हत्यारे का नाम था मोहम्मद जवाते उर्फ जंगल जवा। लाइबेरिया से भागकर अमेरिका में बसा, 2016 में गिरफ्तार हुआ और फिर मुकदमा चला। जब जवाते पर मुकदमा चला तो लाइबेरिया के कई लोग गवाही देने पहुंचे। इनमें से एक ने अदालत को बताया कि जवाते और उसके लड़ाके इंसानों का मांस खाते थे। एक दफा इन्होंने एक औरत को फोर्स किया उसके पति के कलेजे को पकाने के लिए। कोर्ट ने जवाते को 30 साल की कैद सुनाई। जस्टिस के लिहाज से देखें तो स्विट्जरलैंड में एलियो पर शुरू हुआ केस ऐतिहासिक है। पीड़ित परिवारों को उम्मीद है कि इस केस के चलते शायद लाइबेरियन गवर्नमेंट पर भी प्रेशर आए, वो भी ऐसे मामलों में कार्रवाई शुरू करे। सोचिए कितना अजीब है, जिस देश में इतने बड़े स्तर पर मानवीय अपराध हुए उसको इंसाफ की कोई चिंता ही नहीं। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बात। पहली सुर्खी अमेरिका से है। यहां नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं जॉन रेडक्लिफ। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ओपिनियन पीस लिखा। इसका शीर्षक है चाइना इज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नंबर वन। मतलब अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन। रेडक्लिफ ने लिखा कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के लोकतंत्र पर इतना बड़ा खतरा पहले कभी नहीं आया। उनके मुताबिक चीन इस पूरे ग्रह पर दादागिरी कायम करना चाहता है, आर्थिक, सैन्य और तकनीकी हर तरह से दुनिया को कब्जे में करना चाहता है। अगली सुर्खी रूस से है। यहां अनातोली गुबनोव नाम के एक फिजिसिस्ट को, भौतिक शास्त्री को गिरफ्तार किया गया। वो रूस के सेंट्रल एरोहाइड्रोडायनेमिक इंस्टीट्यूट में काम करते थे। उन पर एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी गोपनीय जानकारियां लीक करने का इल्जाम है, मतलब जासूसी का इल्जाम है। मॉस्को की एक कोर्ट ने फिलहाल अनातोली को 2 महीने के लिए जेल भेजा है। अगर देशद्रोह साबित होता है तो 20 साल की कैद। आपको बता दें कि रूस में पिछले कुछ वर्षों के भीतर कई वैज्ञानिकों पर ऐसे आरोप लगे हैं और इनमें से ज्यादातर चीन से जुड़े मामले हैं कि चीन रूस में जासूसी करवा रहा था। तीसरी सुर्खी कनाडा से है। दिसंबर 2018 में यहां मंग वांचो नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया। ये कोई आम महिला नहीं थी, ये चीनी टेलीकॉम कंपनी हुएवी के मालिक रेन जेकफेई की बेटी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका के कहने पर हुई। अब इस मामले में एक अपडेट आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हुएवी के साथ एक डील पर बात कर रहा है। इसके तहत मंग को अपना अपराध कबूल करना होगा। उन्होंने ऐसा किया तो बदले में अमेरिका उन्हें चीन जाने देगा। मंग अपने पिता की कंपनी में चीफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। इल्जाम है कि उन्होंने अमेरिकी बैंकों से फ्रॉड किया, ईरान में कारोबार करने वाली एक टेलीकम्युनिकेशन फर्म के साथ अपनी डीलिंग को छिपाने की कोशिश की। आज की दुनियादारी में इतना ही। आज के एपिसोड में हमने आपको अफ्रीका के चाइल्ड सोल्जर्स की कहानी सुनाई। इस टॉपिक पर एक फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए, बीस्ट ऑफ नो नेशन। ये आगू नाम के एक बच्चे की कहानी है। सिविल वॉर में अपना घर परिवार गंवाने के बाद आगू मर्सनरी फाइटर्स के हाथ लग जाता है, चाइल्ड सोल्जर बन जाता है। फिल्म में आप आगू को एक सामान्य बच्चे से हत्यारे में तब्दील होते देखते हैं। ये कहानी अफ्रीका के कई हिस्सों की आप बीती है, इसलिए कह रहा हूँ देखिए। आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि तारीख सेक्शन कहाँ गया। हमने उसे दुनियादारी से हटाकर एक अलग प्रोग्राम बना दिया। ये सुबह 9 बजे ललन टॉप की वेबसाइट, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर अपडेट होता है, अपलोड होता है। ये सुबह क्यों कर दिया, दुनियादारी से क्यों हटा दिया? हमको लगता था कि शाम को दुनियादारी अपडेट हुआ और उसके बाद कुछ ही घंटों में तारीख बदल गई, तो बेहतर हो कि दिन जब शुरू हो तभी वो सेगमेंट जाए ताकि पूरे दिन दर्शक उसको देख सकें। तो आप सुबह सुबह तारीख देखिए, शाम को ललन टॉप शो देखिए, दुनियादारी देखिए, सोशलिस्ट देखिए, सेहत देखिए, एक लंबी फेहरिस्त है, सिनेमा शो देखिए। ललन टॉप ये कोशिश कर रहा है
कि वो आपको एक रस खबरें ना दे, सब रसों की खबरें दे। तो जिसकी सेहत में दिलचस्पी है, बेहतर रहें, जान है तो जहान है वाले फार्मूले पर चल रहे हैं, वो सेहत देखें। फिल्मों का शौक है तो दो स्पेशल प्रोग्राम है, शाम को 10 सिनेमा शो होता है और दोपहर में 12 बजे रोजाना एक नई पेशकश होती है। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है लेकिन सब देखेंगे तो पढ़ेंगे कब, परिवार वालों के साथ समय कब व्यतीत करेंगे, तो उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया है क्योंकि एक प्रोग्राम रात में अपलोड होता है सोशल लिस्ट, दिन भर की सब सोशल मीडिया की हलचल और दिन भर की देश की खबरों के लिए दी ललन टॉप शो और दुनिया की खबरों के लिए दुनियादारी तो है ही। नमस्कार, शुभरात्रि। उम्मीद है कि सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। एक भाई साहब कमेंट में लिख रहे थे कि उम्मीद है काहे लिखते हो, दरअसल गुरु है क्या, सांस के लौटने का भरोसा नहीं है, इसलिए किसी को भ्रम नहीं पालना चाहिए, इसीलिए कहकर जाता हूं कि उम्मीद है। आपको प्रसंग बता देता हूं, महाभारत का है। एक व्यक्ति मदद मांगने आया पांडवों के पास, पांचों पांडव बैठे थे। युधिष्ठिर ने भीम से कहा इसकी बात सुनो, भीम ने बात सुनी और कहा कल आना, कल तुम्हारी मदद कर दी जाएगी। ये सुनकर युधिष्ठिर मुस्कुरा दिए, व्यक्ति चला गया हामी भरकर। भीम ने देख लिया कनखियों से कि भैया मुस्कुराए हैं। भीम ने पूछा क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, आप हंसे क्यों? युधिष्ठिर ने जवाब दिया सांस के लौटने का कोई भरोसा नहीं, तो तुम आने वाले कल के लिए कॉल कैसे दे सकते हो। शिवरात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।